नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब प्रमुख खबरों को। 1 जुलाई यानी आज एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। इंडियन ऑयल के वेबसाइट के मुताबिक 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में रसोई यूज वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 1103 रुपए और कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर के दाम 1773 रुपए पर बने हुए हैं। विदेश मंत्री अजय शंकर ने एक बार फिर पड़ोसी देश चीन पर निशाना साधा। कोलकाता में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। पश्चिमी ताकतों ने भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दखल देने की कोशिश की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन के दौरे में तो यह सार्वजनिक तौर पर किया जाता था। ओबामा ने भी यह मुद्दा उठाया। चीन की ओर से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। नागपुर से पुणे की ओर जा रही बस बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ा राजा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में 33 यात्री सवार थे। हादसे के समय सभी सो रहे थे। जब आग लगी तो लोग संभल नहीं पाए। इनमें से 26 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 7 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़े को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी राह दी। हाईकोर्ट ने कहा कि हर बालिग को जीवन साथी चुनने का अधिकार है। बालिग जोड़ों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वैवाहिक जीवन में साथ रह रहे हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। बता दें कि हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये बातें कही हैं। बिहार को अब दूसरे से बिजली नहीं खरीदनी होगी, बल्कि बिहार खुद आत्मनिर्भर हो गया है। पटना जिला में स्थित बाढ़ एनटीपीसी प्लांट की चौथी इकाई ने काम करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही बिहार में सरप्लस बिजली का उत्पादन होने लगा है। अब बिहार को बाजार से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी द्वारा घोषित वनडे विश्व कप 2023 कार्यक्रम पर अपना आधिकारिक रुख साझा किया। पीसीबी प्रवक्ता ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि टूर्नामेंट में टीम की भागीदारी सरकार की मंजूरी के अधीन है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीसीबी उन जगहों पर सुरक्षा टीमें भेजने की तैयारी कर रहा है जहाँ पाकिस्तान को मैच खेलना है। पीसीबी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि बोर्ड को मैच स्थलों सहित भारत के किसी भी दौरे के लिए पाकिस्तान सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है। हम मार्गदर्शन के लिए अपनी सरकार के साथ संपर्क करें और जैसे ही हम उनसे सुनेंगे इवेंट अथॉरिटी आईसीसी को अपडेट कर देंगे। ट्विटर पर हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। लोगों के लिए हर दिन नए नए नियम को जोड़ा जा रहा है। हर दिन यूजर्स की सुविधाओं को देखते हुए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। वही अब शुक्रवार को ट्विटर ने एक नया बदलाव किया है जिसके अनुसार अब यूजर्स बिना लॉगिन किए ट्वीट नहीं देख सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप कोई ट्वीट देखना चाहते हैं तो आपको ट्विटर पर अपनी आईडी बनानी होगी। एलन मस्क ने इसे अस्थायी आपातकालीन उपाय कहा है। आयकर विभाग ने 30 जून को समय सीमा खत्म होने से पहले पैन और आधार लिंक कराने के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया। विभाग ने बताया कि जिन मामलों में फीस पेमेंट और लिंक करने के लिए स्वीकृति मिल गई है लेकिन लिंक करने की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी नहीं हुई है तो उन मामलों पर गौर करेंगे। पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग ने 30 जून 2023 तक का समय सीमा दिया था। यदि किसी ने 30 जून 2023 तक की समय सीमा तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग आज पैन को आधार से लिंक करेंगे उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। कई सारे सरकारी और गैर सरकारी कार्य के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया हो तो इस काम को करने के लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। स्वीडन में मस्जिद के बाहर एक शख्स ने बुधवार को कुरान जलाकर प्रदर्शन किया। इस घटना का कोई विरोध कर रहा है तो कोई शख्स का साथ दे रहा है। इस बारे में नाटो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान नाटो प्रमुख ने कुरान को जलाना अपमानजनक बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि घटना गैर कानूनी नहीं थी। पूरे देश में मॉनसून छा गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। IMD की माने तो अगले 5 दिनों तक पश्चिमी भारत में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इन राज्यों में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दक्षिणी भारत की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु में 4 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं बिहार में अभी तक बारिश ने दस्तक नहीं दी थी। शुक्रवार को यहाँ पर भी जमकर बारिश हुई है। चीनी सेहत के लिए न केवल नुकसानदायक है बल्कि किसी जहर से कम नहीं है। वहीं कुछ लोग बिना चीनी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने से जुड़ी चीज़ें बनाने वाली कई कंपनियां चीनी की जगह कई तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। इन सबसे आम तौर पर एस्पार्टम का इस्तेमाल होता है। हाल ही में इससे जुड़ी एक जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक यह कृत्रिम मिठास कैंसर जैसी बीमारी दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने WHO भी इसे आधिकारिक तौर पर कैंसर बढ़ाने वाला घोषित कर सकता है।
आईएएस अफसर संजीव जायसवाल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए उन्हें कोरोना महामारी के दौरान कथित कोविड फील्ड हॉस्पिटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने 21 जून को संजीव जायसवाल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उनके पास से अकूत संपत्ति की जानकारी मिली थी। वंदे भारत ने बीते कुछ सालों में राजधानी और शताब्दी समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनों को कई मामलों में पीछे छोड़ दिया। इस बीच दुनिया भर की खासियतों से लैस वंदे भारत को जब एक नॉर्मल ट्रेन का इंजन खींचते दिखा तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, मगर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। वीडियो भी फर्जी नहीं था, इसलिए ऐसा क्यों हुआ ये बताने के लिए रेलवे को बयान जारी करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वीडियो वंदे भारत को कमीशन में शामिल किए जाने से पहले का है। ट्रेन को जब पहली बार बेड़े में शामिल किया जाता है तो उससे पहले गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरे इंजन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि तब तक उसका रूट तय नहीं होता। इसके साथ ही वंदे भारत के लिए मौजूद लर्निंग ड्राइवर इस दौरान ट्रेन को चलाकर ट्रायल करता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से किशोरों की उम्र 18 से 16 करने का सुझाव दिया है। हाई कोर्ट ने 3 सालों से जेल में बंद एक 20 साल के लड़के को नाबालिग से रेप के आरोप में राहत देते हुए यह बात कही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सहमति से संबंध बनाने वाले किशोरों को जेल में डाल देना अन्याय है। बिहार में डोमिसाइल नीति हटाने का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के सरकारी स्कूलों में 1.7 लाख पदों पर होने वाले शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों को आज पटना में महाजुटान होगा। ये महाजुटान एक महाआंदोलन की शक्ल लेगा। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 5 अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जबकि 19 नवंबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 46 दिनों तक चलने वाले इस वर्ल्ड कप के दौरान 48 मैच खेले जाएंगे। सभी मुकाबले 10 वेन्यू हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे। वहीं हैदराबाद, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अभ्यास मैच खेले जाएंगे। नासा ने मार्स हेलीकॉप्टर का पता लगा लिया। 2 महीने पहले स्पेस एजेंसी का इस हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। मिनी हेलीकॉप्टर ठीक हालात में है और इसके बारे में और भी जानकारी जुटाई जा रही है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज मिशन में इसका टेस्ट फ्लाई 2021 में कामयाब रहा था। इस मिशन के तहत हेलीकॉप्टर 51 उड़ानें भर चुका है। 26 अप्रैल को मिनी क्राफ्ट 52वीं उड़ान पर था, जब इससे संपर्क टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह अमेरिकी की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी की, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के योग दिवस समारोह, अमेरिकी कांग्रेस संबोधन समेत कई कार्यक्रम शामिल थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बक्सी का इंटरव्यू हुआ, जिसमें जीडी बक्सी ने F-414 लड़ाकू जेट इंजन और MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौते की जमकर सराहना की है। साथ ही बक्सी ने चीन की नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के महत्व पर जोर दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर विदेश मंत्री जयशंकर को शांत रहने की टिप्पणी देकर फंस गए हैं। शनिवार को उन्होंने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, लंदन में खालिस्तानियों द्वारा भारतीय ध्वज को उतारने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने जो भी प्रतिक्रिया दी थी उससे मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। साथ ही थरूर ने जयशंकर को अपना मित्र और योग्य विदेश मंत्री भी बताया है। जदयू के अध्यक्ष शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि 23 जून को पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया में आपने और आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इसको फोटो सेशन कहा है। उन्होंने लिखा है कि आपकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी, क्योंकि आपने अपने 9 साल के शासन में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान सिर्फ फोटो सेशन ही चलाया, वह भी अलग अलग पोज में, और इसे आप अपनी उपलब्धि बताते हैं। समान नागरिक संहिता पर विपक्ष तो विरोध में ही था, अब एनडीए में भी दरार देखने को मिल रही है। दरअसल मेघालय के सीएम कोंडाराड संगमा ने पीएम नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर जोर देने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। समान नागरिक संहिता के रूप में पार्टी का अब तक का नजरिया भारत के विचार के ही खिलाफ है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट किया, संसद का मॉनसून सत्र 2023 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि 23 दिन तक चलने वाले सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CCPA की बैठक में अध्यक्षता की, जिसमें तारीख पर फैसला हुआ। मॉनसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। दुनिया भर में प्रसिद्ध इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर कई तरह के नए अपडेट्स जारी होते रहते हैं। इस बार प्लेटफॉर्म पर कमाल का अपडेट जारी हुआ है। दरअसल व्हाट्सएप अब अपने यूजर्स को एक फोन से दूसरे फोन में चैट ट्रांसफर करने का आसान ऑप्शन दे रहा है। QR कोड के जरिए आपके लिए अब पुराने फोन से दूसरे फोन में चैट्स को ट्रांसफर करना आसान हो गया है। पिछले 5 दिन से फ्रांस में लगातार हिंसा का दौर जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच फ्रांस की स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए वहां पर योगी मॉडल की मांग उठने लगी है। हालांकि प्रोफेसर
एनजॉम कैम नाम की प्रोफाइल वाले जिस शख्स ने यह मांग उठाई है उसकी पहचान संदिग्ध है। ट्विटर पर यह शख्स खुद को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में एक्सपर्ट बताता है, लेकिन हकीकत में इसका नाम कुछ और है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि असलियत में यह प्रोफाइल डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम के शख्स की है। इस व्यक्ति को चीटिंग केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक भारत में बिकने वाली कुछ चुनिंदा कारों का ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट होता रहा, जिसके आधार पर उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाती है, लेकिन अब बहुत ही भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत वाहनों की क्रैश टेस्टिंग की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने मीडिया को एक बयान में कहा है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्रैश टेस्ट मानदंड 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाला है। जुलाई महीने की शुरुआत होते ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची आदान प्रदान किया है। नई दिल्ली ने 254 भारतीय मछुआरों और 4 नागरिकों की स्वदेश वापसी में तेजी लाने की मांग की है। सभी ने अपनी जेल की सजा पूरी कर ली है। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर हलचल मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के UCC पर दिए गए बयान के बाद विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि यूसीसी में क्या होगा, इसके बारे में उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता होगा। बढ़ते तापमान के साथ घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है। भारत और उसके आसपास के देशों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण घरेलू और यौन हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव निजी संबंधों पर भी पड़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में वृद्धि देखी जा रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, उमेश ऋषि देव, धनंजय कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।